LG के 2022 के मॉडल्स में क्या नए नए चेंजेस हैं जो कि 2021 या फिर उससे पहले वाले मॉडल्स में नहीं थे, ये वीडियो देखकर आप इस बात को जान पाएंगे और एक ऐसी चीज़ आपको समझाऊंगा जो शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं समझाई होगी। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम एयर कंडीशनर ब्रांड रिव्यू करेंगे वो है एक साउथ कोरियन एसी ब्रांड और वो है लकी गोल्ड स्टार यानी कि LG। दोस्तों LG के एयर कंडीशनर्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम से हैं और यही कारण है कि LG के एयर कंडीशनर इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। LG के एयर कंडीशनर्स में आपको हर टाइप की वैरायटी मिल जाएगी, चाहे आप स्प्लिट एसी बोलें या विंडो एसी बोलें, किसी भी टाइप का एसी आप बोलें, किसी भी टनेज में बोलें, LG में आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने LG के कुछ बहुत ही बढ़िया मॉडल्स के मैंने लिंक्स दे दिए हैं, सभी बेस्ट बाय लिंक्स हैं, आपको डिस्काउंटेड रेट में LG के एसीज मिल सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन खैर, पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। LG के 2022 के मॉडल्स में क्या नए नए चेंजेस हैं जो कि 2021 या फिर उससे पहले वाले मॉडल्स में नहीं थे, ये वीडियो देखकर आप इस बात को जान पाएंगे और एक ऐसी चीज़ आपको समझाऊंगा जो शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं समझाई होगी। तो ये एक LG का स्पेशल फीचर है जो 2022 में ही आया है और 2021 वगैरह के मॉडल में ये नहीं था। ये कौन सा फीचर है और ये कैसे काम करता है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो लोग नए हैं पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि LG के ACs का क्या रिव्यू है, किस टाइप के ये एयर कंडीशनर्स होते हैं, कैसे आपको इसमें कंप्रेसर या फिर कंडेंसर यूनिट या फिर फिल्टर्स वगैरह आपको किस टाइप के मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं वो वाला स्पेशल फीचर डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि आपको 2022 के मॉडल्स में मिलता है और इससे पहले वाले मॉडल में वो फीचर नहीं था। तो कुछ खास अलग नहीं किया है LG ने 2022 में, देखा जाए तो सभी फीचर्स LG के 2022 के मॉडल्स में सेम है जो 2021 में थे। तो 2021 तक LG अपने एयर कंडीशनर्स में एक टेक्नोलॉजी यूज करता था जिसको 5-in-1 टेक्नोलॉजी कहा जाता था, यानी कि LG के एयर कंडीशनर्स 5 अलग अलग कैपेसिटीज में चल सकते थे। लेकिन अब 2022 में LG ने इसी चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हुए अब इसको 5-in-1 की जगह 6-in-1 AI टेक्नोलॉजी कर दिया है, यानी कि LG के जो एयर कंडीशनर्स हैं अब वो 5 अलग अलग कैपेसिटीज में नहीं बल्कि 6 अलग अलग कैपेसिटीज में वो चल सकते हैं। यानी कि अगर आप एक LG का 1.5 टन का AC लेते हैं और उसमें अगर ये 6-in-1 AI टेक्नोलॉजी वाला फीचर है तो LG का 1.5 टन वाला AC आपका 0.8 टन से लेके 1.75 टन तक 6 अलग अलग कैपेसिटीज में चलने के लिए सक्षम है। यानी कि रूम के टोटल लोड को देखते हुए आपका LG का AC 60% कैपेसिटी पर भी चल सकता है और 110% कैपेसिटी पर भी चल सकता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार 110% कैपेसिटी यानी कि अगर एक 1.5 टन का AC है तो वो 1.75 टन पे कैसे चल सकता है। अगर 1.5 टन का AC 1.75 टनेज पे चल सकता है तो भला लोग 1.8 टन का या फिर 2 टन का AC लेते ही क्यों हैं, लोग 1.5 टन का AC क्यों नहीं ले लेते, उसी को 1.75 पे चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जो आप लोग ध्यान से देखते नहीं हैं और इस चीज़ को समझते नहीं हैं। जो कैच है वो ये है कि 1.5 टन का AC 1.75 टन पे चल सकता है लेकिन ये सिर्फ 90 मिनट तक चलता है। यानी कि अगर आप LG के 1.5 टन के AC को 1.75 के टनेज पे चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सारी रात आप LG को 1.75 टन की कैपेसिटी पे चला सकते हैं। आप इसको 110% की कैपेसिटी में यानी कि इससे इसकी नॉर्मल कैपेसिटी से आप ऊपर कैपेसिटी में चला रहे हैं तो इसको आप सिर्फ 90 मिनट तक ही चला सकते हैं। तो अगर कोई AC अपनी टनेज से ऊपर काम कर रहा है यानी कि अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से भी ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम कर रहा है तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वो कंटिन्यू कितनी देर तक काम कर सकता है, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात शायद आपको किसी दूसरे AC के वीडियो में किसी ने नहीं बताई होगी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई 1.5 टन का AC आफ्टर ऑल 1.75 टन पे कैसे काम कर सकता है। चलिए अगले फीचर में हम चले जाते हैं और अगला फीचर देखते हैं
एलजी के एयर कंडीशनर्स में किस टाइप के कंप्रेसर लगे होते हैं। तो एलजी के एयर कंडीशनर्स में जो आपको कंप्रेसर मिलते हैं वो आपको मिलता है डुअल रोटरी कंप्रेसर। एलजी के ज़्यादातर स्प्लिट एसीज में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा, ये इन्वर्टर एसीज ही ज़्यादातर बनाते हैं। और एलजी ही एक ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में सबसे पहले इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लाई थी, इसलिए एलजी के एयर कंडीशनर्स में आज की डेट में आपको सब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी ही आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें जो कंप्रेसर है वो डुअल रोटरी कंप्रेसर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो आपका सिंगल रोटरी कंप्रेसर होता है उसमें इतने ज़्यादा स्पीड रेंजेस आपको नहीं मिलते हैं। आपको पता है जो आपका इन्वर्टर कंप्रेसर होता है उसके अलग अलग जो स्पीड के रेंजेस होते हैं, लेकिन आपका डुअल रोटरी कंप्रेसर में स्पीड रेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि एक स्विंग कंप्रेसर मेरा मानना है कि एक रोटरी कंप्रेसर से ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक डुअल रोटरी कंप्रेसर ले रहे हैं तो डुअल रोटरी कंप्रेसर में आपको इतने स्पीड रेंजेस मिल जाते हैं कि आपकी बिजली की बचत उसमें ज़्यादा अच्छी होती है, आपका एसी का जो एफिशिएंसी है ओवरऑल बहुत बढ़िया निकल कर आती है। तो अब अगर हम सीधे चलते हैं इसके कंडेंसर यूनिट की तरफ, तो ये एक और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ऑल्दो ये 2022 में कुछ स्पेशल नहीं है, ये ही चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ ये 2021 के मॉडल्स में भी आपको एलजी में मिल जाता था, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर है, और वो है इसके जो कंडेंसर्स कॉयल्स हैं उनमें आपको ओशन ब्लैक कोटिंग की हुई मिल जाती है। देखिए कंडेंसर कॉयल्स तो आपको 100% प्योर कॉपर के कंडेंसर कॉयल्स मिलते हैं जो कि अंदर से ग्रूव भी होते हैं, और एलजी का कहना है कि ये काफ़ी हाई ग्रूव्ड है, यानी कि गैस की अंदर ऑसिलेटरी मूवमेंट के कारण बहुत जल्दी गैस कंडेंसर में जो है वो ठंडा होता है। लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये कि ओशन ब्लैक कोटिंग एलजी के कंडेंसर यूनिट के जो कॉयल्स हैं प्लस जो इसके फिन्स हैं उसमें सब में ओशन ब्लैक कोटिंग की हुई है। ये इतनी बढ़िया कोटिंग है दोस्तों कि आपका जो एसी है, अगर स्पेशली अगर आप एक कोस्टल एरिया में रहते हैं या फिर आपके घर के आसपास से कोई ड्रेन वगैरह गुजरती है या फिर आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं जहाँ पे आसपास काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो आपके जो कंडेंसर कॉयल हैं अगर वो कॉपर से भी बने हुए हैं ना तो उनकी जो है कोरोड होने के और गलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, खास करके इस टाइप के एनवायरमेंट में। लेकिन इसमें जो ओशन ब्लैक कोटिंग की है ये एक इतनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ मुझे लगती है कि इसके कारण आपका एलजी का एसी जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है इसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका कंडेंसर कॉयल कहीं से भी छेद होके वहाँ से गैस के लीक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो एलजी का जो ये फीचर है आपका कंडेंसर कॉयल पे जो ओशन ब्लैक कोटिंग है ये सबसे अच्छा फीचर है एलजी का। तो अब अगर मैं इसके फिल्टर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो एलजी में आपको फिल्टर टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया मिल जाती है। एलजी में आपको PM1 का फिल्टर भी मिल जाता है, यानी कि 1 माइक्रोन के जो हवा छोटे छोटे कण हैं उनको भी एलजी का एसी खींच लेता है और अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके रूम को काफी ज्यादा क्लीन कर देता है। ज्यादातर एयर कंडीशनर्स में आपको PM2.5 वाला फिल्टर मिलता है, लेकिन एलजी में आपको PM1 वाला फिल्टर मिलता है, यानी कि 2.5 माइक्रोन से भी छोटे जो आपके 1 माइक्रोन वाले जो आपके छोटे छोटे हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी ये एसी आपके रूम में से क्लीन कर देता है। प्लस एलजी में आपको सिल्वर आयन कैटायोनिक फिल्टर भी मिल जाता है, जहां आपको जो है एक तरह का प्लाज्मा फिल्टर होता है और चार्ज्ड पार्टिकल द्वारा आपके घर के जो भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं एलजी के दूसरे फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको एक इंस्टेंट चिल फीचर भी मिल जाता है, जो कि आपको ज़्यादातर आजकल की डेट में हर एसी में मिल जाता है। एलजी वाले इस फीचर को हिमालय कूल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी कि इस बटन के दबाते ही आप अगर बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी से घर के अंदर आते हैं, आपको जल्दी से ठंडक का एहसास चाहिए तो इस बटन को आप दबा दीजिए, एसी 20 मिनट में बहुत ही तेज़ी से चल के आपके रूम को जल्दी से ठंडा कर देगा और फिर ऑटोमेटिकली वो अपने पुराने सेटिंग्स में भी लौट जाता है, तो आपको बहुत ही जल्दी एक कंफर्टेबल फीलिंग का एहसास होता है। और भी एलजी में बहुत बढ़िया फीचर्स हैं, जैसे कि वाईफाई कंट्रोल, गूगल वॉइस या फिर एलेक्सा कंट्रोल, ये सब कुछ आपको एलजी में मिल जाता है, यानी कि आप अपने एलजी के एसी को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किए हुए एक ऐप के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर किसी ज़रूरी
जरूरी काम से घर से जल्दी से निकल जाते हैं बाहर, और बाद में आपको याद आता है कि यार घर पे तो मैं एसी को चलता ही रखाया। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी रिमोट लोकेशन से उस ऐप के द्वारा घर पे चलता हुआ एसी ऑफ कर सकते हैं, और ऐसे ही घर पे लौटने से पहले आप एसी को पहले से ही ऑन कर सकते हैं, और आपके घर पे एंटर करते ही आपको घर पहले से ही कूल मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं एलजी के एयर कंडीशनर्स में। आपको एलजी में हॉट एंड कोल्ड दोनों टाइप के एसी मिल जाते हैं, यानी कि ऐसे एसी भी आपको मिल जाएंगे जो आपके गर्मियों में तो आपके रूम को ठंडा करेंगे ही, लेकिन सर्दियों में आपके रूम को ये गर्म भी कर देते हैं। एलजी के एसीज में आपको एक मॉनसून कंफर्ट टेक्नोलॉजी भी, यानी कि मॉनसून कंफर्ट फीचर भी मिल जाता है, जो स्पेशली मॉनसून के दिनों में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर आपका जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है इसको तेज़ कर दिया जाता है। और मॉनसून के टाइम में जब मॉइस्चर हवा में बहुत ज़्यादा होता है तो ये मॉइस्चर जो है आपके रूम से खींच लेता है, और आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है काफ़ी कम्फर्टेबल बनाता है, क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट साइकिल आपके एसी में तेज़ चलता है तो वो जल्दी से मॉइस्चर को खींचता है, और आपके रूम में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो चिपचिप करती हुई जो गर्मी है वो आपको कम लगती है। एलजी के एयर कंडीशनर्स में आपको 4D कूलिंग, यानी कि 4-डायमेंशनल कूलिंग मिल जाती है, यानी कि इसके फ्लैप आपको लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन, हर तरफ आपको इसमें फ्लैप घूमने वाले आपको मिल जाते हैं, तो आपकी जो ओवरऑल रूम की कूलिंग है वो हर एंगल से होती है। और साथ ही साथ आपको इसका जो एयर थ्रो है वो 30 फीट तक का मिल जाता है, यानी कि 30 फीट तक इसका ये एयर को जो है थ्रो कर देता है, और आप अगर एसी से 30 फीट की दूरी पे भी है तो भी आपको एसी की ठंडी हवा डायरेक्ट लग सकती है। और साथ ही साथ अगर हम वारंटीज़ की बात करें तो एलजी में भी आपको प्रोडक्ट में टोटल 1 साल की वारंटी, कंप्रेसर में आपको 10 साल की वारंटी, और इसके पीसीबी में भी आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल डाइकिन की तरह आपको एलजी में भी ये सभी वारंटीज़ मिल जाती हैं, और इसके पीसीबी में भी आपको स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन मिल जाता है, यानी कि आपको अलग से स्टेबलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं, इसके पीसीबी में ही स्टेबलाइज़र वाला सारा बंदोबस्त किया है, ताकि आपको जो है जो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उसकी टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, ये एसी खुद से उस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है। और अगर हम बात करें एलजी के सर्विस की, तो इसकी सर्विस तो बहुत ही बढ़िया है, और सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि इंडिया में ये काफ़ी टाइम से है, इतने टाइम से होने के कारण इंडिया में आपको मैक्सिमम जगह पे इसके सर्विस सेंटर आपको मिल जाएंगे। बाकी इसमें आपको एक सेल्फ डायग्नोसिस फीचर भी मिल जाता है, यानी कि अगर आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके डिस्प्ले में एक एरर कोड डिस्प्ले हो जाता है, उस एरर कोड से आप पता लगा सकते हैं कि आपके एसी में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आई है। और साथ ही साथ एलजी के एयर कंडीशनर्स में आपको जो गैस मिलती है वो ज़्यादातर R32 या फिर R410A मिलती है, दोनों ही गैसेस काफ़ी अच्छी हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हालांकि R32 मेरा मानना है कि ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ज़्यादा ओजोन फ्रेंडली भी है, और काफ़ी अच्छी हाई एफिशिएंसी वाला गैस है। और एलजी के एयर कंडीशनर्स में आपको ज़्यादातर R32 ही मिलेगा, लेकिन कुछ एयर कंडीशनर्स में आपको 410A भी मिल जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एलजी अपने कंप्रेसर्स खुद से बनाता है, जिस तरह डाइकिन अपना रेफ्रिजरेंट खुद से बनाता है, ये रेफ्रिजरेंट के लिए डाइकिन एक OEM है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, बिल्कुल वैसे ही एलजी भी कंप्रेसर्स अपने खुद से बनाता है, और ये एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इसको अपने कंप्रेसर्स कहीं और से किसी और कंपनी से सोर्स नहीं करने पड़ते हैं। और एलजी वाले 72 आवर्स इंस्टॉलेशन की गारंटी भी देते हैं, यानी कि एसी खरीदने के 72 घंटे के अंदर अंदर आपका एसी आपके घर में इंस्टॉल भी हो जाता है, करीब 1,200 रुपये प्लस GST का इसमें वो रेट लेते हैं। तो यही थे एलजी के एयर कंडीशनर्स के स्पेशल फीचर्स, और 2022 में एलजी के एयर कंडीशनर्स में क्या अलग है 2021 से, और वो किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो को एंड होने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कुछ बेस्ट बाय लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने एलजी के कुछ स्पेशल बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडल्स के लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ से आप इनको खरीद भी सकते हैं, बहुत बढ़िया डिस्काउंटेड रेट पे ये मॉडल्स मिल रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी और टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।